हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अमन अभिषेक में आपका स्वागत है। आज ये बहुपद पॉलीनोमियल प्रश्नावली 2.3 और क्वेश्चन 5 पे पार्ट 5 है। बहुपद पी एक्स और जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हुए तथा घात पी एक्स और घात क्यू एक्स को बराबर हो। मतलब पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो, ठीक है। तो हम माना पी एक्स बराबर हम कुछ मान लेते हैं, तो 2x स्क्वायर हम 2x प्लस 14 एक इक्वेशन हम मान लिए, और हम क्या मानते हैं और जी एक्स भी हम मान लेते हैं, जी एक्स मान लेते हैं 2। अब हमको इसको प्रूफ क्या करना है, ये दोनों बराबर हो। तो देखिए पी एक्स बराबर ये है और जी एक्स बराबर ये है, तो हम भाग देके देखते हैं। 2 से हम इसको 2x² - 2x + 14 को भाग देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से गुणा की तो 2x² हो गया, माइनस प्लस माइनस कट गया, -2x + 14 हुआ ना, 2x + 14। अगर फिर हम यहाँ क्या करते हैं, 2 तो है तो माइनस एक्स से अगर हम गुणा करते हैं तो -2x हो गया, प्लस हो जाएगा, कट गया। अब 14 बचा, तो 14 को हम क्या करते हैं, प्लस 7 से गुणा करते हैं तो 14 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, कट गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं पी एक्स बराबर हम मान लेते हैं बहुपद 0, ठीक है। पी एक्स का मान हमें क्या है, 2x² - 2x + 14 है ना, बराबर 0। तो हम 2 को मान लेते हैं, तो 2x² - x + 7 हो गया, बराबर 0। 2 किधर भेज देते हैं, तो x² - x + 7 बराबर 0/2, तो 0 भाग हो जाएगा, तो x² - x + 7 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया बराबर 0 हो गया, ये हो गया बराबर 0। ये क्या हो गया पी एक्स। तो हम यहाँ हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर हो जाएगा x² - x + 7 और यहाँ क्या है क्यू एक्स क्या है हमारा x² - x + 7, ये हम लिख सकते हैं। तो दोनों बराबर हो गया, पी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा क्यू एक्स, ठीक है, प्रूव्ड। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, घात पी एक्स क्यू एक्स बराबर आर एक्स, ये हमारा बोल रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये घात क्यू एक्स है ना, तो हम माना पी एक्स बराबर x³ + x² + x + 1 और जी एक्स बराबर हम मान लेते हैं x² - 1। दो चीज़ मान लेते हैं, x² - 1 हम मान लिए, ठीक है। अब हम करते क्या है, ये जो पी एक्स है ना, तो हम जी एक्स से पी एक्स में भाग देते हैं, x² - 1 से भाग देते हैं x³ + x² + x + 1 को भाग देते हैं, तो हम x से गुणा किए तो एक्स क्यू हो गया, प्लस माइनस कट गया, एक्स से गुणा किए तो माइनस एक्स हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ ये x² उतर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1। फिर हम क्या करते हैं, प्लस 1 से हम गुणा करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² और 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा है क्यू एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, क्यू एक्स बराबर मान लिए हम 0 होता है, 0x0, तो क्यू एक्स क्या है, x + 1 बराबर 0। और ये जो आर एक्स बराबर भी हम मान लेते हैं 0, तो आर एक्स क्या, 2x + 2 बराबर 0, 2 को मान लिए x + 2 बराबर 0, तो x + 2 0 उधर से भाग लेगा, कट गया, ख़त्म हो जाएगा, तो x + 2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अतः यहाँ क्या है, x प्लस
क्यू एक्स बराबर आर एक्स, ये भी यहाँ प्रूव हो गया और ये भी यहाँ एक्स प्लस वन होगा। यहाँ इधर कॉमन लिए तो एक हो जाएगा, ठीक है, दो कॉमन लिए तो एक हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो और यहाँ भी एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो प्रूव्ड, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमको प्रूव क्या करना है, घात आर एक्स बराबर ज़ीरो, ठीक है, तीसरा नंबर है। तो माना पी एक्स बराबर हम टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस चौदह मान लेते हैं, तो जी एक्स जो है जी एक्स बराबर हम दो मान लिए, तो अगर हम भाग देते हैं तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस चौदह को भाग देते हैं, दो से भाग दी एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस टू एक्स प्लस चौदह हो गया, तो माइनस एक्स से भाग देते हैं तो माइनस टू एक्स प्लस हो जाएगा, ये कट गया चौदह हुआ, चौदह को हम प्लस सेवन से भाग गुना करते हैं तो माइनस कट गया जीरो होगा, अतः आर एक्स अतः आर एक्स बराबर आर एक्स बराबर ज़ीरो, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।